व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फील्ड. सो बेसिकली फर्स्ट आई विल गो अहेड विद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. आई विल गो अहेड विद एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल. सो सेंट्रीपिटल बेसिकली वी वर क्लियर दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स आई हैव अ रीजन. लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस. Or you can talk about centripetal force due to the gravitational force, right? So somewhere when I talk about centripetal force, I know the reason from where it is arising or for which factors are responsible for the centripetal force. But when we talk about the centrifugal force, the basic difference between centripetal and centrifugal is that centrifugal have a reason behind it. But the centrifugal force don't have any reason for its arising or for its existence. So basic difference आपका centripetal और centrifugal में जो आता है, सबसे basic difference जो होता है कि centripetal force जो होता है, when I talk about centripetal force, it have a reason like gravitation, that is gravitational force somewhere provide the centripetal force, frictional force provide the centripetal force. If you talk about string, you are having a tension string and you are just trying to have a circular motion. So there the tension will provide the centripetal force. So centripetal force is have a reason behind it from where it is arising. But when it comes to centrifugal force, we don't know the reason. There is no such reason for the existence of such force. Ma'am. Yes. जो सम्स मैंने भेजा था वो मैं डिस्कस करती हूँ. पहले हम लोग ये क्लियर करके लेते हैं, ठीक है? इज दिस ओके? यस 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 मैम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट बिकॉज ये कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है. ये जो कंसेप्ट है इसका कंसेप्चुअल क्लियरेंस बहुत जरूरी है. आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो वो एक ही स्टेटमेंट रिपीट करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पीछे कोई रीजन नहीं होता. इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉल्स फोर्स या स्यूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है. दिस आर कॉल्ड एज फॉल्स फोर्स और स्यूडो फोर्स. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. और जरा यहाँ पर अब ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा. दैट इज वेरी क्लियर. यू विल नॉट गेट एनीथिंग. जो भी समझाने की कोशिश करूंगी कुछ भी क्लियर नहीं होगा. सो प्लीज ध्यान से समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. सो आई वॉज टॉकिंग, आई गेव यू वन एग्जाम्पल इन दैट वीडियो. वी वर हैविंग अ रोटेटिंग टेबल, राइट? हमारा एक रोटेटिंग टेबल था और यहाँ पर ये ऐसा ब्रिक रखा हुआ था या एक मटेरियल रखा हुआ था. नाउ आई सेड यू हैव टू फ्रेम्स. एक फ्रेम ये है लैब फ्रेम टेबल. जब आप बाहर लैब में बैठकर उस टेबल फ्रेम को देख रहे हो, आपको पता है कि ये अपनी पोजीशन में ये गोल गोल घूम रहा है टेबल के साथ. ये लेफ्ट या राइट बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है. पोजीशन अपने टेबल टर्निंग टेबल के साथ वो घूमता जा रहा है. सो समवेयर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? इस ऑब्जेक्ट और इस टेबल के बीच का फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ये आपका बाहर का एक्सप्लेनेशन हो गया, राइट? यस. एवरीवन क्लियर? यस यस यस. इस टर्निंग टेबल के साथ आपका ये जो ब्रिक है ये कंटिन्यूसली जो है ये घूमता हुआ लग रहा है या घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको ये बात क्लियर है कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं टेबल और ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है. इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? सो यू हैव अ एक्सप्लेनेशन एंड ये एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन का लॉज एक्सप्लेन करके यूज कर सकते हो. यू कैन यूज न्यूटन लॉज, राइट? यू कैन यूज न्यूटन लॉ.
सो देर इज नो प्रॉब्लम वेन यू आर इन द लैब फ्रेम. लैब फ्रेम में हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. न्यूटन लॉ आराम से लग रहा है, आपके पास सारे फोर्सेस का रीजन है, आप सारे फोर्सेस को यूज करके न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाकर, न्यूटन के थर्ड लॉ को लगाकर आप इसका एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं. सो वेन यू आर इन द लैब फ्रेम, मतलब जब आप बाहर से खड़े होकर टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो, टेबल के ऊपर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको टेबल और ऑब्जेक्ट दोनों घूमता हुआ दिख रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सारे एक्सप्लेनेशंस है एंड यू कैन अप्लाई द न्यूटन लॉ. ये सबको क्लियर है व्हाट आई सेड नाउ? यस मैम. यस यू आर स्टैंडिंग, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनो. व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, जब आपने अपने अपने घर पर बैठकर उस रोटेटिंग टेबल को देखा, आपको सारा चीज क्लियर हो गया कि मैम जो वीडियो में, मैं वीडियो की भी बात कर रही हूँ, आप अपने घर में हो वो आपका लैब है ना, वही आपका लैब है. आप क्लासरूम में होते, क्लासरूम आपका लैब होता. सो जब आप लोग अपने घर पर बैठकर उस वीडियो को देख रहे हो, तो वो वीडियो में आपको टेबल गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो भी टेबल के साथ गोल गोल घूम रहा है. अब जब वो ऑब्जेक्ट टेबल के साथ गोल गोल घूम रहा है, आपको ये बात क्लियर है कि जब वो गोल गोल घूम रहा है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूज गोल गोल घूम रहा है. मैंने बताया है कि गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल का होना बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने वाला जो चीज है वो टेबल और उसके बीच का फ्रिक्शन है. ये कंसेप्ट सबको क्लियर है व्हाट आई सेड? ये क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी. तो जब आप बाहर घर पे बैठे हो, यू कैन इजिली अप्लाई न्यूटन लॉ, फॉर यू एवरीथिंग इज वेरी मच ओके. सच फ्रेम्स जहां पर आप प्रॉपरली न्यूटन लॉ लगाकर चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हो, देन यू से दोस फ्रेम्स एज इनर्शियल फ्रेम. ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम के नाम से जानते हैं, जहां पर आप आराम से सारे एक्सप्लेनेशन दे दो, सब कुछ समझा दो, से एवरीथिंग इज गोइंग गुड, न्यूटन लॉ आराम से एप्लीकेबल है, यू से सच फ्रेम्स एज इनर्शियल फ्रेम. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, मैं आप लोगों को कुछ इमेजिन करवाना चाहती हूँ एंड आई एम नॉट कमिंग ऑन दिस नाउ. इस एग्जाम्पल को थोड़ा देर से समझेंगे, थोड़ा लेट से, ठीक है? मुझे ये समझाना है कि ये आपका मैरी गो राउंड है और आप पैक्ड हो, आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, ओके? एंड है ना, आप इसके ऊपर बैठ गए. एक बात समझो बच्चों कि जब आप किसी चीज पर बैठे हो, वो चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है, ये तभी समझता है जब आप खिड़की के बाहर देखते हो. अगर वो चीज, कोई सामने वाली चीज पीछे जाती हुई दिख रही है, तो आपको फील होगा कि ओके आप आगे की तरफ जा रहे हो. अगर वो आगे जाती हुई दिख रही है, तो आपको फील होगा पीछे की तरफ जा रहे हो. इज इट करेक्ट और नॉट? यस. हाँ या ना? Yes. Your example, कि you are yes. sitting in a train और एक और ट्रेन सामने से अपोजिट, ये दोनों ट्रेन जो है ये साथ में चल रही है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम, दोनों का स्पीड सेम है और यहाँ वहां आप कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ इसी डायरेक्शन का देख सकते हो. अगर ये आपको साथ में चलते हुए दिखेगी तो आपको फील ही नहीं होगा कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है, आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो. जब आप दूसरे साइड देखोगे तब आपको रियलाइज होता है ओके ओके वी आर आई एम मूविंग अहेड. हाँ या ना? यस मैम. यस, मतलब जब आप इसके अंदर बैठे हो एंड सब तरफ से पैक्ड है, तो आपके लिए आप मूव नहीं हो रहे हो. इज इट करेक्ट? यस यस. नाउ व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दिस and you don't know whether things are rotating or it is not rotating because you cannot see anything outside, aap pure packed ho, aapko pata hi nahi chal raha hai ki aap rotate ho rahe ho ki nahi rotate ho rahe ho. So when you don't know that you are getting rotated or not, you are at rest. aap iske upar rest pe baith gaye, theek hai? Is it okay? Yes. Yes. Now when you are at rest, but आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है,
यू आर फीलिंग कि आपको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब मैं रेस्ट पे हूं तो मुझे ये धक्का लगा रहा है कौन, ये धक्का बाहर की तरफ जो लग रहा है ये कहां से लग रहा है, और ये जो धक्का आपको बाहर की तरफ लगता है दिस इज व्हाट इज योर सेंट्री. इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लाना पड़ता है. फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनो. व्हाट आई सेड दैट कि लेट्स सिट ऑन दिस टेबल, इस टेबल पे बैठते हैं. आपको पता नहीं है बाहर आपका, आप पूरे पैक्ड हो, आपको नहीं मालूम कि आप मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पूरी तरफ डार्क है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तो जब आप उस टेबल पे बैठते हो ना, व्हेन यू सिट ऑन द टेबल, फॉर यू यू आर एट रेस्ट. ये इमेजिन कर पाना बहुत टफ है. इट इज वेरी टफ टू इमेजिन कि ओके आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, और अगर मैं आजू बाजू की कोई चीज नहीं देख पा रही हूं. ओके फॉर इमेजिनिंग दिस ना, इमेजिन यू हैव क्लोज्ड योर आईज, आपने अपनी आंखें बंद की हुई है. व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, आपको किसी ने रोटेटिंग टेबल पे बिठाया और आपकी आंखें बंद कर दी है, क्या आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर रोटेटिंग और नॉट? नो. आपको आंखें बंद करवा के मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और एक रोटेटिंग टेबल पर ले जाकर बिठा दिया. विल यू फील दैट द टेबल इज रोटेटिंग और नॉट? नो. यस. यू विल नॉट. यस बोलना नहीं कोई भी. आपको सिर्फ ये फील होगा कि जब टेबल रोटेट हो रहा है आपके ऊपर बाहर की तरफ से धक्का लग रहा है. अगर मैंने आपको नहीं बताया है कि यू पीपल आर सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, और मैंने आपको आके मैम हम लोग को ब्रेन में कॉन्शियसनेस जैसा लगेगा, प्लीज डोंट गो फॉर दैट थिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स. आपको वो सब तब लगता है जब आप से बाहर की चीज देखते हो. आपको आग बंद करके अगर बिठा दिया गया आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा वेदर यू आर गेटिंग रोटेटेड और नॉट. बट आपको ये फील होगा कि जैसे ही आपको टेबल पे बिठाया आपको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है. कुछ समझे मैंने क्या कहा? कुछ समझा? वन थिंग, स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास. आई वॉन्ट एवरी वन टू स्विच ऑन द कैमरास प्लीज, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम लोग का एक्सप्रेशन मुझे पता चले कि व्हेन आई एम टीचिंग यू नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आप लोग का दिमाग कहाँ तक कितना चल रहा है. Please switch on your cameras, everyone. That's all. I just want to see your expressions, everyone. Because I am teaching something which requires imagination. And I want you to imagine. And while imagining, I want to see your faces. Now imagine yourself, everyone. Imagine yourself that aapki aankhe band hai. Aapki aankhe band hai. आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होंगे, घर पे मम्मी पापा वगैरह होंगे, कोई तो मूव कर रहा होगा राइट. आपने आंखें बंद कर ली, ठीक है, या फिर आंखें बंद करके आप खुद चलने की कोशिश करो. आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके अगर आपके आजू बाजू कोई चल रहा है तो आप उसको आप वो मोशन में आप तभी बोल सकते हो जब आप उस पर्सन को देख पा रहे हो. दैट इज ट्रू और नॉट? That is true or not? Yes, ma'am. Yes. आपके आजू बाजू चल रहा है ये आप तभी इमेजिन कर सकते हो जब आप उस पर्सन को देख पा रहे हो, या वो पर्सन के हिसाब से अगर वो चल रहा है और अगर वो चल रहा है तो आप पीछे की तरफ जा रहे हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर उस पर्सन को पता नहीं है कि वो चल रहा है तो वो ये भी बोल सकता है ना कि आप खुद पीछे की तरफ जा रहे हो. That's very true. Yes. I'm repeat करूँ ना language हो रहा है पूरा. Hello everyone. Okay, can you hear me? बंद कर लेते हो आपको पता नहीं है आजू बाजू क्या चल रहा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप मोशन में हो कि सामने वाला मोशन में है, या आप देख कर ही पता लगा सकते हो. दैट्स वेरी ट्रू. दैट्स वेरी ट्रू. Now what I'm
saying you to imagine that you are going to sit on a merry-go-round. और मैंने आपको आंखें बंद कर दी है, चलो रुके हुए मैरीगोराउंड पे जाके बैठ जाओ, और मैंने बोल दिया आंखें बंद कर दो, रुका हुआ है मैरीगोराउंड, हम लोग पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, सब लोग जाकर अपने अपने इमेजिनेशन में मैरीगोराउंड पे बैठ जाओ। अभी फिलहाल मैरीगोराउंड पूरी तरीके से रुका हुआ है और मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज। आफ्टर क्लोजिंग योर आईज मैरीगोराउंड ने घूमना शुरू किया। आपने आंखें नहीं खोली अभी तक, आप लोगों में से किसी ने भी आंखें नहीं खोली अभी तक। आप लोग गए मैरीगोराउंड पे बैठ गए और मैरीगोराउंड ने घूमना चालू किया। आपको पता चलेगा मैरीगोराउंड ने घूमना चालू किया है? विल यू कम टू नो मैरीगोराउंड ने घूमना चालू किया है? नो, आप मैरीगोराउंड का रोटेशन फील नहीं कर पाओगे। आप क्या फील करोगे आपको पता है? आप ये फील करोगे कि आपको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। धक्का लग रहा है, यस। एक्सेलरेटर भी एग्जांपल है, यू कैन यूज दिस एग्जांपल एज वेल। मैम नॉन लिविंग थिंग के जैसा अज्यूम कर लें? यस, नॉन लिविंग थिंग के जैसा अज्यूम कर लें। हाँ, नॉन लिविंग थिंग के जैसा अज्यूम करना है। आपका ब्रेन का कॉन्शियसनेस वगैरह मत लेकर आओ। मैंने सिर्फ एक ही बोला कि आपको आंखें बंद कर बैठना है मैरीगोराउंड पे, जब मैरीगोराउंड रेस्ट पे है। आपने मैरीगोराउंड जैसे रेस्ट है, आप जाकर उसके ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद मैरीगोराउंड ने घूमना चालू किया। आपको सिर्फ एक फील समझ में आएगा, वो आपको ये फील होगा कि आपको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैरीगोराउंड ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है। एंड ऑफकोर्स मैरीगोराउंड ने गोल गोल घूमना शुरू किया, यही कहीं ना कहीं रीजन है आपको बाहर की तरफ धक्का लगने का। वो क्या है मैं थोड़ा आगे समझाऊंगी, पर अब मेरी बात सुनो। जब आपने आंखें बंद की है, आप एट रेस्ट हो, आपको लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। दैट्स वेरी ट्रू। आप मूव कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप कब फील करोगे? जब आप आंखें खोलोगे, आपको क्या लग रहा है? मैं रेस्ट पे हूं, मेरे पे कोई फोर्स लग रहा नहीं है। तो ये धक्का लगा तो लगा कहां से? दिस न्यूटन लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन। कुछ एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, सब इंटरनल ही है। पर क्या है वो मैं थोड़ा आगे समझाऊंगी, अभी नहीं। फिलहाल पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल तो बात क्लियर हो गया। वाइब ब्रेक हो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, गिव मी 5 सेकंड्स, आई विल एडजस्ट इट। कैन यू हियर माय वॉइस नाउ? कैन एवरीवन हियर माय वॉइस? इज इट क्लियर? ओके, so let's come to the non inertial frame again. Take one more example for understanding the non inertial frame. Take one more example. Bus mein baith jao, close your eyes. Bus chal rahi hai ki bus nahi chal rahi hai, ye tab pata chalta hai jab main bahar dekhti hu. Agar bahar ki scenery piche jana shuru ho gayi, I experience bus is moving. That's very true. मुझे नहीं पता, बस चल रही है कि नहीं चल रही है। बट सडनली जब बस ने जस्ट स्टार्ट किया, आई एक्सपीरियंस अ जर्क। वो जर्क आया तो आया कहां से? इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट। But are you understanding what is non-inertial frame? Yes, ma'am. एक बात समझो, जब आपने आंखें बंद कर ली, आप अभी भी बस में रेस्ट पे ही हो। आप बोल नहीं रहे हो कि आपकी बस ने चलना शुरू कर दिया है। You are at rest. जब आप बस में जाके बैठ गए, आप थोड़ी मूव कर रहे हो। Are you moving?
Are you moving? You are sitting on a particular seat. Are you moving? No. You are totally on rest. When you are at rest, तो ये अचानक से acceleration आया कहाँ से? ये जो acceleration आया ना, जो आपको jerk मिला, जो merry-go-round में आपको बाहर की तरफ कहाँ मिला? This jerk and this acceleration जो आपको बाहर की तरफ धक्का मिल रहा है, इसको explain करने के लिए हम लोग को pseudo force को लाना पड़ा. मतलब जब आप frame के अंदर खुद जाके बैठे होते हो ना, तो आपके लिए frame rotating नहीं रह जाता. तब आप कैसे हो जाते हो? आप रेस्ट पे हो जाते हो. रेस्ट पे. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम. फ्रेम भी घूम रहा है जब आप लैब रूम से देख रहे हो. आपने लैब से देखा, आपको मस्त टेबल गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है, पर जब आप खुद टेबल पर जाकर बैठ गए हो ना, अब आपका फ्रेम नहीं घूम रहा है, अब आप रेस्ट पे हो. तो अगर आप रेस्ट पे हो तो आपके ऊपर धक्का लगा तो लगा कहाँ से? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल को जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है कि भाई अब हम सेंट्रीफ्यूगल जैसा कुछ पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि ये फोर्स जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हम किसी तरीके से एक्सप्लेन करें, न्यूटन लॉ को अप्लाई करें, सो दैट नॉन इनर्शियल से हम इनर्शियल फ्रेम में उसको कन्वर्ट कर सके. दिस इज द फिनोमेना. आई एक्सप्लेन इट अगेन, मैथमेटिकली भी जाऊंगी. अभी फिलहाल सिर्फ आप लोग को इमेजिन करने के लिए लगा दी, नथिंग एल्स आई एम ट्राइंग टू डू. मैथमेटिकली भी जाऊंगी, क्यों लग रहा है धक्का, कहाँ से लग रहा है धक्का, सब समझाऊंगी. बट पहले ये समझ लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट आया कहाँ से, और ये तुमको ना किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद इमेजिन नहीं करोगे. यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर. सब लोग बोल देंगे फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम का एक्सेलरेशन, बट वेट वेट, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्पेशल. हाँ, अब बोलो जो बोल रहा है. मैम पहले के जमाने में स्पीक अप, आई वांट यू टू डिस्कस, करो डिस्कस. मैम पहले के जमाने में का शूटिंग होता था, एंड जब उस गाड़ी का मूवमेंट दिखाते तो पीछे का सिर्फ फ्रेम मूव करते थे और वो रेस्ट पे रहता था. तो एग्जैक्टली सिमिलर भी, दैट्स वेरी ट्रू. आंख बंद कर देंगे वो पर्टिकुलर एक्टर को, पता चल जाता है कि वो उसी जगह पे मूवमेंट नहीं हो रहा. पर मैंने वही बोला, मैंने व्हाट यू सेड, मैंने वही बोला. मैंने कहा कि कोई जब स्टार्टिंग में था कि आप किसको मोशन, जब मैंने सबसे आपको मोशन पढ़ाना किया, सर्कुलर मोशन, पहले मैंने मोशन डिस्कस किया, क्योंकि हमको ये सब काम में पहले मोशन समझना जरूरी है कि मोशन है क्या. मेरे लिए अगर कोई चीज मोशन में है, जरूरी नहीं सामने के लिए वो चीज मोशन हो, इट्स रिलेटिव. अब मैं आपको बहुत ऊपर लेकर आ चुका उस कंसेप्ट से. मैंने अब आपको ये चालू किया, मैं अब दो फ्रेम रुक गया है. एक वो फ्रेम है जिसमें बैठे हो, यू आपका लास्ट फ्रेम, वॉइस इज ब्रेक है, वो लास्ट फ्रेम है. मैम अभी भी वॉइस ब्रेक? यस मैम. यस मैम. यस Can you hear my voice now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is it very much clear? Is it very much clear? Voice clear hai sabko? Yes. Yes. Let's imagine again. मैं तब तक sums पे नहीं आऊंगी, तब तक चीजों पे नहीं आऊंगी जब तक आप लोग खुद imagine नहीं करते concept को. I said you, let's go step by step. ठीक है? एक rotating table था. मैंने बोला अपने घर पे से बैठ के देखो, मैंने एक वीडियो दिखा दी. उस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, करेक्ट? आपको ब्लॉक भी उस टेबल के साथ गोल 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 घूमता हुआ दिखा. हमारे पास एक्सप्लेनेशन था कि वो ब्लॉक टेबल के साथ गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है. सब लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो? यस मैम. यस. वो सेंट्रिपिटल फोर्स जो लग रहा है, वो ब्लॉक और टेबल के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स उस ब्लॉक को
जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक और टेबल के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा है। सबने ये एक्सेप्ट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हो गया आपका लैब फ्रेम। दिस इज कॉल्ड एज लैब फ्रेम। लैब फ्रेम का मतलब है कि वो फ्रेम जिस फ्रेम में खड़े होकर आपने फोर्सेस के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसमें आप प्रॉपरली न्यूटन लॉ एक्सप्लेन कर पा रहे हो, न्यूटन लॉ लगाकर आप चीजों को मॉडिफाई कर पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो। दैट्स वेरी ट्रू। यस वेरी ट्रू। यस सच फ्रेम्स आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम। ये कांसेप्ट तो क्लियर हो गया, करेक्ट? अब मैंने बोला अब थोड़ा इमेजिनेशन में जाते हैं, जहां पर हमको रियल फिजिक्स सीखना है। अब मैं आपको बोल रही हूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं। यू पीपल आर सिटिंग इन एन एरोप्लेन। सबको जीनियस एकेडमी की तरफ से एरोप्लेन का ट्रिप, ओके? एक पर्टिकुलर हाइट पे चले गए, सारा बादल एक जैसा लग रहा है, सारा बादल एक जैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने वो ट्रिप कभी एक्सपीरियंस की होगी रियल लाइफ में, तो जब प्लेन एकदम ऊपर चली जाती है और आपको सारा बादल एक जैसा लगता है, आपको ये फील ही नहीं होता आप मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आप रेस्ट पे हो। रेस्ट पे। yes. अभी आप विंडो से, अगर आप कभी अभी नहीं गए हो तो कभी इन फ्यूचर जाओगे, तो कभी आप विंडो से ये चीज देखने की कोशिश करना, आपको फील ही नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो, जो कि आप मूव कर रहे होते हो। आप किसी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जा रहे हो, आपकी प्लेन मूव हो रही होती है हवा में, बट आपको ये फील नहीं होता कि यू पीपल आर मूविंग, क्योंकि आपको बाहर कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखता। आपको बाहर कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखता। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? हालांकि एरोप्लेन इज अ बिग एग्जांपल, बट स्टिल कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? मिस जीनियस एकेडमी ट्रिप पे ही नहीं लेके गई। जाने दो, अपने अपने बल पे जाओ। क्या जीनियस के बल पे जाओगे तुम लोग? ठीक है, लेट्स कम टू सम लोअर एग्जांपल। हम लोग के लेवल के एग्जांपल पे आते हैं। अभी एरोप्लेन वाला एग्जांपल जाने दो, कभी फ्यूचर में जाओगे। चेयर एग्जांपल हो सकता है। हाँ, रोटेटिंग चेयर भी हो सकता है। आई एम कमिंग टू दैट। अब ये एरोप्लेन वाला एग्जांपल, कभी इन फ्यूचर में कभी जाओगे तो मेरा नाम सोचकर सोच लेना, ओके? लेट्स कम टू लोअर एग्जांपल। अगेन कम टू मैरीगोराउंड। ठीक है, सिट ऑन अ मैरीगोराउंड। तब मैरीगोराउंड रेस्ट पे है। गो टू द इमेजिनेशन वर्ल्ड अगेन। आंखें आपकी बंद कर दी गई है। आंखें बंद होने के बाद यू आर एट रेस्ट, यू आर टोटली एट रेस्ट। जब तक आप किसी चीज को मूव होता हुआ नहीं देखते, आपके लिए आप रेस्ट पे हो। उस टाइम पे आप रेस्ट पे हो, आप बैठ गए। मैरीगोराउंड ने कब घूमना चालू किया आपको कुछ पता नहीं, पर जब मैरीगोराउंड ने घूमना चालू किया, आपको ये नहीं पता कि आप गोल घूमने वाले हो, क्योंकि आपके फ्रेम में आप रेस्ट पे हो। यू आर एट रेस्ट, बट आपको एक धक्का बाहर की तरफ लगता है, एंड यू फील दिस। कभी आप बहुत हैवी वाला मैरीगोराउंड नहीं, छोटा वाला मैरीगोराउंड में भी आपको ये धक्का एक्सपीरियंस होगा। अब ये धक्का कहां से आया? ये धक्का जब मैं रेस्ट पे हूं, जब मेरे आजू बाजू की चीजें मूव नहीं हो रही है, तो मुझे ये धक्का लगा तो लगा कहां से? इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन लॉ में नहीं है। जब मैं फ्रेम में बैठी हूँ, जब मैं रोटेटिंग टेबल पर बैठी हूँ और मैं रेस्ट पे हूँ, तो मेरे ऊपर ये धक्का आया कहाँ से? इसका आंसर न्यूटन लॉ नहीं दे पाता। एंड हेंस ऐसे फ्रेम को जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जाकर बैठे, जब आपको वो फ्रेम रेस्ट पे लगता है, ऐसा फ्रेम आपके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम करता है। पर मैम वो तो रोटेट हो रहा है ना, कहाँ से? बाहर से रोटेट हो रहा है। जब उसको कोई बाहर से देखेगा ना, वो उसको रोटेटिंग दिखेगा। जब आप खुद उसके अंदर बैठे हो ना, आपको वो रोटेटिंग फील नहीं होगा। यू नॉट फील इट रोटेटिंग। वो रोटेटिंग उनके लिए है जो बाहर के लैब फ्रेम से उसको देख रहे हैं। जो उसके अंदर बैठे हैं ना, उनके लिए इट इज नॉट रोटेटिंग। मींस यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना? आई एम नॉट कमिंग टू इट शुभम नाउ। मैं अभी फिलहाल वो सब सब थोड़ा आगे जाऊंगी। मैं मतलब नॉन इनर्शियल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी बेस्ड होता है ना। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठे हुए होते हो और आपके लिए फ्रेम रेस्ट पे होता है। आपके लिए वो कहीं रोटेट नहीं हो रहा होता। आप उसको फील ही नहीं कर सकते कि वो रोटेट हो रहा है। आपके लिए वो फ्रेम रेस्ट पे है, पर आपको धक्का लग रहा है। आपके आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, आपको एक्सेलरेशन लग रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा धक्का बाहर। एग्जैक्टली।
लगेगा फॉर श्योर. और अगर वो धक्का नहीं लग रहा है तो उसके पीछे आई एम कमिंग टू द रीजन कि आपको वो धक्का क्यों लगना बंद हो जाता है, क्या वो धक्का क्यों नहीं लगता, वो मैं आगे जाऊंगी. बट अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है. Yes. 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 अब, अगर मैरी गो राउंड तक नहीं समझ पा रहे हो कि मैम वो तो घूम ही रहा है ना, लेट्स मूव वन स्टेप अहेड. मैंने अब क्या किया, तुम लोगों एक डब्बे में बंद कर दिया है, एक डब्बे में बंद कर दिया और मैरी गो राउंड में वो डब्बा लगा दिया. अब आग बंद करने की जरूरत नहीं है, डब्बा पैक्ड है, सिर्फ तुम लोग थोड़ा ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले उतना मैंने बंदोबस्त कर रखी है, बट तुम लोग देख नहीं सकते बाहर. ठीक है, मैंने उस डब्बे में कितने लोग हैं, 106 लोग हैं, तो 106 लोगों के लिए मैंने डब्बा रेडी करवाया, बहुत बड़ा मैरी गो राउंड है, और उस डब्बे में मैंने तुमको डाल दिया, डब्बा पूरा पैक्ड है. ठीक है, मैरी गो राउंड घूम रहा है नहीं घूम रहा है, आप अपने लिए रेस्ट पे हो, मानते हो, क्योंकि आपको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, आपको नहीं पता, यू आर एट रेस्ट, यू आर एट रेस्ट. बट डब्बे के अंदर आपको एक धक्का बाहर की तरफ लगा, ये होगा जब भी मैरी गो राउंड चलना शुरू करेगा, जब भी उसका स्पीड अप होगा आपको एक धक्का लगेगा, और ये धक्का लगते ही आप ये फील करोगे भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, तो ये धक्का आया तो आया कहां से. मींस यू आर इनसाइड द रोटेटिंग फ्रेम. व्हेन यू आर इनसाइड द रोटेटिंग फ्रेम, आप कभी भी जब आप रोटेटिंग फ्रेम में हो आपका फ्रेम मोशन में नहीं होता, आप रेस्ट पे होते हो, और उस वक्त आपके ऊपर जो बाहर की तरफ धक्का लगता है उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ता है. कुछ समझे? यस मैम. मतलब सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप फ्रेम के अंदर नहीं जाओगे. अगर आप बाहर खड़े होकर सारी चीजें देख रहे हो ना, अप्लाई नहीं होता. अगेन आई विल रिपीट, जब तक आप बाहर से बैठकर देख रहे हो तब तक सेंट्रीफ्यूगल का कोई कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं होता. सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप फ्रेम के अंदर चले जाते हो, और जब आप फ्रेम के अंदर चले जाते हो आपके लिए सारी चीजें रेस्ट पे हो जाती है, और जब आपके लिए सारी चीजें रेस्ट पे हो जाती है जो आपको धक्का लगता है उस धक्के को एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. आप उस स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, न्यूटन लॉ को, उस जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उस पे उसको आप इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करते हो और फिर चीजों को सॉल्व करते हो. मतलब सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए और जो फोर्स मेरे पे लग रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जबरदस्ती लाया है कि मेरे नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं किसी तरीके से ये जो धक्का लग रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करके न्यूटन लॉ लगा पाऊं, इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट लाया गया है. जब तक आप ब्लैक फ्रेम में हो, आप बाहर खड़े हो और आप रोटेटिंग टेबल को देख रहे हो, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट होगा ही नहीं, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट होगा ही नहीं. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि यू आर इन द ब्लैक फ्रेम, हाउ मच स्यूडो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, द आंसर इज जीरो, क्योंकि ब्लैक फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं होता. ये आता ही तब है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एंटर करते हो और चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. Is it clear what I'm trying to say? Yes, ma'am. नहीं, मैं 100% नहीं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आपको मैं 100% आप सारी चीजें इतनी आराम से समझ जाओ. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यू नीड टू इमेजिन दिस, सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. हेलो मिस, सोचोगे तो ही समझोगे. बोलो, कौन बोला? हेलो मिस, अगर MI बैंड 6 रहेगा जो हम लोग मतलब कार में बैठे और वो कार में बैठे और वो हाँ और वो मतलब वो स्टेप्स रहते हैं ना, वो स्टेप्स बढ़ता है तो उसमें और ये एग्जांपल को कोई मैच होती है क्या? बेटा मेरे को पता नहीं, मैं MI बैंड 6 में कभी बैठी नहीं हूँ, पर अगर स्पीड अप वॉच है मिसो वॉच है, MI बैंड 6 एक वॉच है जो हम लोग पहनते हैं और उसमें और उसमें हम लोग उस स्टेप्स का स्टेप से कैलोरीज है और मतलब हम लोग बाइक पर बैठे लेकिन वो स्टेप्स ऑटोमेटिक काउंट हो रहा है तो उसका ये परफेक्ट एग्जांपल ऐसा है. एग्जैक्टली, हां बोल सकते हो, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो वो काउंट करता है,
बॉडी स्पीड अप कर रही है, स्पीड डाउन कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो काउंट करता है मिस. लेकिन हम लोग रेस्ट रेस्ट पर है ना, और कार तो चल रही है ना. हाँ बट आप पे फोर्स तो लग रहा है ना आपके लिए. आप देखो अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, आपके हिसाब से आप रेस्ट पे हो, पर आपके ऊपर धक्का लग रहा है, वो धक्का आप खुद. और सबसे बड़ी बात पता है क्या बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं बोल रही हूँ सुडो फोर्स है, पर ये लगता है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसको सुडो फोर्स बोल रही हूँ, पर ये लगता है, ये बॉडी एक्सपीरियंस. देखो मैं खुद बोल रही हूँ ना, यू आर इनसाइड द बॉक्स. मैरी गो राउंड ने घूमना स्टार्ट किया, मैरी गो राउंड ने जैसे ही घूमना स्टार्ट किया आपको बाहर की तरफ धक्का लगा, मतलब आपके ऊपर वो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट. हेलो, फिर ये एग्जांपल भी राइट हुआ ना फिर मैम? हाँ बोल सकते हो, दैट्स ट्रू. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बट उसका एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है. मतलब जब हम, अब ध्यान से सुनो, जब मैंने कहा कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात हो रही है, हम बोलते हैं कभी ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, कभी फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है, कभी टेंशन की वजह से लग रहा है, पर जब मैंने आपको एक बॉक्स में पैक कर दिया और उस आपके लिए आप अपनी फ्रेम में रेस्ट पे जा चुके हो, आप अपनी फ्रेम में रेस्ट पे जा चुके हो, पर आपकी मैरीगोराउंड ने जैसे ही घूमना चालू किया आपको एक फोर्स बाहर की तरफ लगा. अब ये फोर्स कहां से लगा इसका रीजन नहीं है मेरे पास, पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इसका रीजन, रियल रीजन नहीं है मेरे पास समझाने के लिए. ये क्यों लग रहा है इसका रीजन मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको सुडो फोर्स में डाला गया है. yes. समझ में आया? yes. Yes, yes. तो ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, दैट्स वेरी ट्रू. सेंट्रीफ्यूगल कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और आगे जाके बात करूंगी. ये कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, दैट आई सी, कीप इट इन माइंड, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव एक ही कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से अगर रिटर्न बैक जाते हो तो वर्क डन आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट होना चाहिए. सेंट्रीपिटल भी हर बार कंजर्वेटिव नहीं होता. अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नो मोर अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? यस मैम, यस. सो थोड़ा उसके उस पे रुकते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे. पहले नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम को जरा अच्छे से समझ के लेते हैं. हां बोलो. आपने सुडो फोर्स बोला कि जिसको दूसरे फोर्स के टर्म्स में अपन कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू. तो मैम तो सुडो फोर्स एक में खुद में एक फोर्स रहेगा, मतलब सुडो फोर्स ग्रेविटेशन वो सब खुद में एक फोर्स है, वैसे ये सुडो फोर्स में खुद में एक फोर्स रहेगा. उस चीज पे मैं आऊंगी थोड़ा आगे कि ये सुडो फोर्स क्यों और क्यों क्या रीजन है इसका एग्जिस्ट होने के पीछे. उसका एक्सप्लेनेशन ना हर कंसेप्ट में अलग अलग है, हर जगह पे वो किसी और चीज के किसी रीजन की वजह से लग रहा है. वो मैं थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगी कि जब मैं स्पिन की बात करती हूँ तो सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगता है, जब मैं कार की बात करती हूँ तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल कहाँ से आता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी. बट इस फोर्स के पीछे कोई ग्रेविटेशन या कोई फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट इज वेरी ट्रू, एंड हेंस इट इज नोन एज सुडो फोर्स. और इसका एक्सिस्टेंस आपको फिलहाल तीन पॉइंट याद रखने हैं आज के लेक्चर के. जितना भी मैंने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, मैंने कुछ भी लिखवाया नहीं है, मैंने सिर्फ तुमको इमेजिन करने लगाया. तो आपको क्या क्या, मैं आई एम कमिंग टू द समरी नाउ कि मेरे को एग्जैक्टली तुम तक क्या पहुंचाना था. पहला, व्हेन आई टॉक अबाउट इनर्शियल फ्रेम आई कैन अप्लाई ऑल द न्यूटन लॉस, आई कैन एक्सप्लेन ऑल द फोर्सेस. इज एवरीवन क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट? यस मैम. एवरीवन एक्सेप्ट दिस कि मैं जब बाहर से खड़े होकर देखती हूँ मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं आराम से न्यूटन फोर्सेस को समझा सकती हूँ. ये पहला पॉइंट मुझे तुम्हारे तक लेकर जाना था. दूसरा पॉइंट, जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करती हूँ उस वक्त मैं खुद उस फ्रेम के अंदर बैठी हुई होती हूँ. मतलब जब मैं टेबल को देख रही थी और तब मैं लैब में थी, मैं लैब से टेबल को देख रही थी, ठीक है? जब मैं लैब से टेबल को देख रही थी आई वॉज इन द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ठीक है. बट जैसे ही मैंने नॉन इनर्शियल का डिस्कशन करना स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले ही बोला अब आप उस टेबल पर बैठोगे,
अब आप उस टेबल पर बैठोगे, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते ही आप खुद सिस्टम के अंदर आ गए हो। अब आप कहीं से खड़े होकर उसको नहीं देख रहे हो, अब आप खुद सिस्टम के अंदर आ चुके हो। इज दिस एवरीवन क्लियर? मैंने आपको प्लेन में बिठा दिया, प्लेन का सिस्टम समझाने के लिए मैंने आपको मैरी गो राउंड में बिठा दिया आंखें बंद करवा कर, मैंने आपको डब्बे में बिठा दिया और मैरी गो राउंड में वो डब्बा लगा दिया। ये तीन मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में डिस्कस किया। मतलब जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलती हूँ तो मैं खुद उस फ्रेम के अंदर बैठी हुई होती हूँ। इज दिस क्लियर? और जब मैं उस फ्रेम के अंदर बैठ जाती हूँ तो मेरे लिए जब तक मैं बाहर की कोई चीज नहीं देखती, अगर मैं बहुत ऐसे कंडीशन में चल रही हूँ कि मुझे बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, मैंने आंखें बंद की हुई है, आई हैव क्लोज माई आईज, आई एम एट रेस्ट इनसाइड दैट फ्रेम। जब मैं फ्रेम के अंदर खुद चली जाती हूँ तो मैं रेस्ट पे होती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस योर अर्थ, योर अर्थ इज रोटेटिंग बट डू यू फील इट? तुम्हारे हिसाब से तुम रेस्ट पे नहीं हो? No. अपने अपने घर पे yes. Yes. अगर ये सन मून अर्थ का रोटेशन ना दिखे, या पहले पुराने अगर आप कॉपरनिकस और न्यूटन की थियोरी पे चले जाओ, पहले की हिस्ट्री स्टोरी के हिसाब से भाई हम तो घूमते ही नहीं थे, हमारे आजू बाजू सन स्टार घूमते थे ना। yes. हम तो रेस्ट पे हैं। yes. 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 आपका फ्रेम रोटेट हो रहा है, बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे ही नहीं सकती। आपका फ्रेम रोटेट हो रहा है पर आप फ्रेम के अंदर हो, आप अर्थ के अंदर हो, आपके लिए सब कुछ रेस्ट पे है। Rest मैं रेस्ट पे हूँ, आप रेस्ट पे हो, और कोई रेस्ट पे जो जो रुका हुआ है, दैट्स ट्रू। yes. yes. जब आप फ्रेम के अंदर आ जाते हो सारी चीजें आपके लिए रेस्ट पे चली जाती है। फ्रेम के अंदर की चीजें, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके लिए आप रेस्ट पे हो, करेक्ट है? करेक्ट है। अचानक से अर्थ रुक गया या उसकी स्पीड में चेंजेस आ गए, सबको धक्का लगना चालू होगा। यस करेक्ट है। yes. ये धक्का yeah, आया तो आया कहां से? मैं तो रेस्ट पे थी, मेरे पे फोर्स लगा तो लगा कहां से? दिस एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर फोर्स, जिसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन नहीं दे सकता। मैम लाइक अर्थ पे, बोलो लाइक अर्थ पे, अर्थक्वेक का तो सब वो अंदर का सिस्टम है, वो आके फोर्स लगाता है। अर्थक्वेक इज नॉट एग्जांपल। ओके। आपको पता है क्यों आपको फील नहीं होता कि अर्थ इज रोटेटिंग? क्योंकि अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। स्पीड अप और स्पीड डाउन करे ना, सबके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगना चालू हो जाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल लगना चालू हो जाएगा आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्यों लगा तो लगा क्यों। सो सेकेंड टॉपिक ये बोलना था कि वेन यू से यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप फ्रेम के अंदर बैठे हुए होते हो और आपके लिए आप रेस्ट पे होते हो। फ्रेम रोटेट हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है, मेरा अर्थ रोटेट हो रहा है मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैं अर्थ के अंदर आके बैठी हूँ, मैं अर्थ के सर्फेस पे आके बैठी हूँ, मेरे को नहीं पता मेरा अर्थ रोटेट हो रहा है। मैं अगर सन का रात दिन ना देखूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरा अर्थ रोटेट हो रहा है, करेक्ट है या नहीं? आई एम एट रेस्ट। When we are inside the frame, we are at rest. और when we are, ये second point हो गया कि जब हम non inertial frame में आते हैं हम rest पे हो जाते हैं, और उस वक्त जो धक्का लगता है speed up या speed down होने की वजह से, उस वक्त जो धक्का लगता है उस धक्के को explain करने के लिए हमको centrifugal जैसे wrong और wrong नहीं बोल सकती false forces का help लेना पड़ता है। So that मैं न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर पाऊं, न्यूटन का लॉ अप्लाई हो जाए और मैं प्रॉपरली इस फोर्स के एक्सप्लेनेशन को दे पाऊं इनसाइड दिस फ्रेम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 60% तो दिमाग में डाल सकी हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। और एग्जाम्पल दूंगी, सब और क्लियर करेंगे। मैम वॉशिंग मशीन का रोटेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होता है ना? एग्जैक्टली होता है, दैट्स वेरी ट्रू। हर चीज में होता है, हर चीज में होता है। आपका जो ये बनाते हैं ना, व्हाट आई कैन से वो छाछ घी निकालते हैं ना, यस, अगर आप उस घूमते हुए छाछ के अंदर बैठ जाओ जाके, होगा नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप बैठ जाओ ना आप रेस्ट पे लगोगे, पर अपने आप आपको लगेगा अरे बाहर की तरफ जा रहे हो, बाहर की तरफ कैसे जा रहे हो भाई,
आप तो रेस्ट पे हो, बाहर की तरफ आपको लेके कौन जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इसीलिए उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में डाल देते हैं। यस यस मैम, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना जो भी सूर्य फोर्स। करेक्ट है। और वो क्यों, वो सब चीज ना शुभम मैं आऊंगी, मैं सारी चीजें ना तुम लोग को मैथमेटिकली ड्रॉ करके बताऊंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये जो बाहर की तरफ मैं धक्का बोल रही हूँ या लग क्यों रहा है ना, मैं वो भी समझाऊंगी। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कोई ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके पीछे हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। पर उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट आऊंगी, अभी नहीं, अभी ना मेरे को सिर्फ ये तुम्हारे दिमाग में डालना है, हर किसी के, जिसको फिजिक्स सीखना है, जिसको फिजिक्स इमेजिन करना है, समझना है, मेरा फिलहाल एक ही फंडा चल रहा है तुम लोग के लिए कि तुम लोग ये समझो कि जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हो तो आप उस फ्रेम में खुद बैठ जाते हो और आपके लिए आप रेस्ट पे हो जाते हो, उस वक्त आपके ऊपर जो फोर्स लगता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसीलिए उस लगने वाले फोर्स को आप सूडो फोर्स के नाम से देना स्टार्ट कर देते हो। जब आप उस सूडो फोर्स को खींच कर लेकर आते हो, जबरदस्ती उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, इन शॉर्ट आप ये करने की कोशिश करते हो कि जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको आप इनर्शियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो और न्यूटन के लॉ को लगाने की कोशिश करते हो, यही स्टेप चल रहा है। आपने सूडो फोर्स कंसिडर किया, मतलब आप अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल की तरफ लेकर जा रहे हो, इनर्शियल की तरफ लेकर जा रहे हो, इसका मतलब आप न्यूटन के हेल्प से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो और आप अपने सम को सॉल्व कर रहे हो। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जिसमें जब फोर्स लगता है ना तो हमारे पास रीजन नहीं होता बताने के लिए कि फोर्स लगा तो लगा कहाँ से। तो जिस फ्रेम में आपके पास रीजन नहीं होता बताने के लिए न्यूटन के लॉ के हिसाब से कि फोर्स कहाँ से लगा, ऐसे फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल के टर्म में डिफाइन करना चालू करते हैं। जिसमें न्यूटन का लॉ लग रहा है, सब अच्छा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम। जिसमें न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा है, अचानक से धक्का लग गया, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इटसेल्फ, कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप खुद नहीं चल रहे होते, यू आर एट रेस्ट, बेसिकली यू आर एट रेस्ट। अर्थ के अंदर आप बैठे हो, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रोटेटिंग, बट ईच एंड एवरीथिंग, बिल्डिंग्स हियर, एवरीथिंग जो भी रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। अर्थ, हमको अर्थ का रोटेशन फील नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम उस फ्रेम के अंदर आकर बैठे हुए हैं, हम रोटेटिंग फ्रेम पे बैठे हैं। जैसे टेबल इमेजिन करने के बदले आप समझ जाओ कि अर्थ के सर्फेस पे आप बैठे हो, जैसे मैं आपको बोल रही थी टेबल पे बैठे हो, वैसे आप अर्थ के सर्फेस पे बैठे हो। अर्थ इज रोटेटिंग, पर आपको फील ही नहीं हो रहा अर्थ रोटेट हो रहा है, दिन रात नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है। एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट नहीं आया होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि भैया एक्चुअली आप रोटेट कर रहे हो, सन और स्टार्स आपके आजू बाजू नहीं रोटेट कर रहे हैं। yes. पर आपके लिए तो भाई आप रेस्ट पे हो, यू आर एट रेस्ट, इट्स वेरी ट्रू ना, यू आर इनसाइड अ फ्रेम विच इज रोटेटिंग, यू आर, मैंने एग्जाम्पल दिया था टेबल पे बैठे हुआ, एज्यूम करो, अब मैं बोल रही हूँ टेबल तक जाने की जरूरत नहीं है, अर्थ ही आपका टेबल है और अर्थ के सर्फेस पे आप बैठे हो और सब कुछ रेस्ट पे है, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अचानक से अगर अर्थ का स्पीड में चेंजेस आए, सबके ऊपर धक्का लगेगा, सब ये क्वेश्चन मार्क में रहेंगे, भैया धक्का लगा तो लगा कैसे, मेरे को तो किसी ने मारा ही नहीं, अब ये फोर्स कौन एक्सप्लेन करे, मेरा न्यूटन का लॉ वायलेट हो गया, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो बोलता है जब तक बाहर से कोई आके मारता नहीं तब तक तो मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने जब कुछ किया ही नहीं, किसी ने आके मुझे मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि भैया अर्थ का रोटेशन हो भी रहा है, अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है, एस्ट्रोनॉमी जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरा अर्थ भी रोटेट होता है, मुझे तो लगता है सन आता है, सन जाता है, मून आता है, मून जाता है, स्टार्स आते हैं, स्टार्स जाते हैं। तो अचानक से जो हड़बड़ी मची अर्थ के सिस्टम में, वो फोर्स कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं है। आप क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम आपने बोला हम लोग अर्थ को टेबल समझते हैं, टेबल पे हम लोग बैठे हैं ये समझते हैं, आपने ये भी बोल दिया कि जब स्पीड अप या स्पीड डाउन होगा मुझ पर एक धक्का लगेगा, अर्थ पे हड़बड़ी मच जाएगी, अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है कि अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है तो मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा कि ये धक्का मुझे क्यों लगा। पर अभी तो हम में से कोई ऐसा कोई धक्का फील नहीं हो रहा है, अर्थ तो अभी भी रोटेट कर रहा है,
तो ऐसा क्या हो रहा है कि वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रोटेशन होने के बाद भी? द आंसर हियर इज कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, जब कोई चीज एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट होती है, वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू सेम एंड अपोजिट हो जाता है. पिटल अंदर की तरफ खींचता है, फ्यूगल बाहर की तरफ खींचता है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक्सपीरियंस नहीं होता, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया. यस मैम. वहीं पर ग्रेविटी की वजह से ना, ग्रेविटी की वजह से बोल सकते हो, दैट्स ट्रू. एक फ्यूगल है, एक पिटल है, दोनों का वैल्यू सेम हो चुका है, आप रेस्ट पे आ चुके हो. अब जहां पर आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सपीरियंस कर पाते हो कि भाई मुझ पे अभी सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं आपका सेंट्रीपिटल उस सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस नहीं कर पाया होता है, इस वजह से आप फ्यूगल एक्सपीरियंस करते हो. जब आपका मैरीगोराउंड जस्ट चलना स्टार्ट हुआ, आपके ऊपर जो बाहर का धक्का लगा, तब तक मैरीगोराउंड ने जो सेंट्रीपिटल लगाया था उसकी वैल्यू उतनी नहीं हुई थी कि वो बाहर के फ्यूगल को बैलेंस कर सके. जैसे ही मैरीगोराउंड की तरफ से इतना पिटल लग जाता है जितना फ्यूगल लग रहा है, आप एकदम शांत हो जाते हो, आपकी वो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई बाहर का धक्का लग रहा है. मैं बहुत ही अभी मैं फिलहाल सिर्फ बातों बातों में जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप इमेजिन करो फिर मैं पेपर पे आऊं. इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार बोलोगे ना मिस ये इमेजिन नहीं हुआ, आई विल रिपीट इट. पहली चीज सबको लेफ्ट फ्रेम से इमेजिन हुई, लेफ्ट फ्रेम सबको इमेजिन हुआ. यस मैम. मैंने कहा मैंने कहा रोटेटिंग टेबल पे बैठ जाओ, अब मैं कह रही हूँ तुम्हारा रोटेटिंग टेबल, दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, रोटेटिंग टेबल का एग्जाम्पल ही मत लो, एग्जाम्पल ले लो तुम्हारा अर्थ इज अ रोटेटिंग टेबल. अर्थ रोटेट हो रहा है ना, अर्थ इज अ रोटेटिंग टेबल. आप अर्थ के सर्फेस पे बैठ चुके हो, यू आर ऑन द अर्थ सर्फेस, अभी भी आप रोटेटिंग टेबल पे ही हो, पर आपको कोई भी चीज मूव होती हुई दिख रही नहीं. जो जहाँ रखा है वही रखा है, करेक्ट है, ये इमेजिन कर. Yes. Is this clear? Yes. Is this clear, yes. Everyone? Yes. Yes. Darshana, घूम गई. कुछ imagine हो रहा है? What I'm trying to say? Yes, miss. Yes, सब in non-inertial frame में जा चुका है. See. Make it very clear. I understand. तक मेरी बातें पहुंच चुकी होंगी. मैं क्या बोल रही हूँ? 90% people को अभी तक मिस आप क्या बोल रहे हो कुछ क्लियर नहीं है. आई एक्सेप्ट इट, मेरे को अभी भी एक्सेप्टेंस है, इसलिए मैं टॉपिक को नहीं भगाऊंगी जब तक तुम लोग नहीं बोलते और जब तक तुम्हारी तरफ से ये आंसर नहीं होता कि एग्जैक्टली मैम हाँ सही समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस टॉपिक. जब तक आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पूरा क्लियर नहीं होता, मैं चैप्टर को आगे नहीं लेके जाऊंगी. क्यों? क्योंकि चैप्टर ही पूरा इसी पे चलने वाला है. सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा, सम सॉल्व करने नहीं आएगा, दैट्स वेरी ट्रू. आपको पहले यह पता होना चाहिए पिटल कहाँ लगता है, फ्यूगल कहाँ लगता है और फ्यूगल कब लगता है. तो इसीलिए मैं बहुत स्लो जाने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रन इट लाइक, मुझे भगाना नहीं है, मुझे समझाना है. सो जरा देखते हैं थोड़ा सा कि किसको कितना समझा है. वेलकम, काफी देर से मैं बोल रही हूँ. अब तुम लोग के पास क्या नॉलेज गई है जरा वो चेक करती हूँ. कोई भागो मत प्लीज, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज, दैट्स ऑल. भाग, कोई चिल्लाने वाली नहीं हूँ. मेरा काम है तुमको फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में लेकर जाना. रट्टा तो मैं ऐसे ही मरवा दूं डांट डांट के. आई वॉन्ट यू टू थिंक. आई कम टू द पर्सन, प्लीज डोंट लीव. बोल रही हूँ मत भागो तो भी भागे जा रहे हो. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आई स्टार्ट विथ किंजल. किंजल. यस मैम. नॉन इनर्शियल से तुमको कितनी बातें समझ में आई, सिर्फ उतना समझो क्या क्या लग रहा है. Non-inertial does not non-inertial में Newton's laws are invalid. Yes. We are considered as a part of the system in non-inertial frame. Yeah, that's very true. Example.
maybe freely falling lift or elevator. ठीक है, अब ये हो गया साइंटिफिक एग्जाम्पल, राइट? यस। अब किंजल, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू दैट यू आर ऑन द रोटेटिंग टेबल, फॉर यू योर फ्रेम इज एट रेस्ट और योर फ्रेम इज मूविंग, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। आई एम ऑन द रोटेटिंग टेबल देन आई विल बी एट रेस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी, द कंडीशन इज यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, ओके? I gave you the example, if you cannot imagine of rotating table, imagine your earth. Earth is also a rotating condition. और आप उस पर बैठे हो, आप कैमरेज में बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हो, राइट? मुझे नहीं देख पा रहे, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत सारे लोग सब रेस्ट पे दिख रहे हैं, yes. मतलब आपके हिसाब से अगर आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आप न्यूटन के जमाने के हो, लाइक अ भीड़े अपने जमाने के, यू आर फ्रॉम द न्यूटन्स वर्ल्ड, आपको नहीं पता कि आपका अर्थ रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानते हो? यस, क्योंकि आपको तो सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। यस, मतलब रोटेटिंग कंडीशन के अंदर आने के बाद, रोटेटिंग कंडीशन के अंदर आने के बाद आपको आपके साथ दिखने वाली सारी चीजें रेस्ट पे दिखती है, और आप ये नहीं बता सकते कि आप रोटेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आपके लिए आप रेस्ट पे हो, दैट्स ट्रू। Yes, ma'am. सब लोगों को ये किंजल से किया हुआ डिस्कशन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. I'm coming to some other person now. I'll take 5 minutes more. थोड़ा से कंक्लूशन पे जाके फिर रुकूंगी, ठीक है? I'll take only 5 minutes more, not more than that. I'll come to Sharon. Sharon Vargas. Yes, ma'am. Okay. किंजल से किए हुए सारे डिस्कशन क्लियर हुए? Sharon? Yes. We don't know about astronomy, we don't know about anything. हमारे हिसाब से सन आता है, सन जाता है, मून आता है, मून जाता है, that's true? Yes. That's true? मेरे हिसाब से मेरा अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब मैं रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठने के बाद कोई भी चीज रोटेट नहीं हो रही, ठीक है? अब अचानक से क्या हुआ, कुछ तो हुआ, क्या हुआ मेरे को नहीं पता, कुछ तो हुआ, ठीक है? और मुझे लगा फोर्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मुझे धक्का लगना चालू हुआ, मैं उड़ना स्टार्ट हो गई, सब लोग उड़ना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन ये आया, जहां पर अब न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं, न्यूटन तो बोलता है कि भाई किसी भी जगह पर तुम हो, तुम तभी उड़ोगे या तुम पे तभी धक्का लगेगा जब तुमको कोई बाहर से आके फोर्स लगाएगा, दैट्स ट्रू। और आप सब तो रेस्ट पे हो, मैं भी रेस्ट पे हूँ, मेरे हिसाब से सब कुछ रेस्ट पे है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं किस अर्थ रोटेट हो रहा है, दैट्स ट्रू। अब इस फोर्स का एक्सप्लेनेशन किसी के भी पास नहीं है, न्यूटन इस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, दैट्स ट्रू। यस, हम लोग एक्सेलरेट, आई एम यूजिंग अ वर्ड, हम लोग एक्सेलरेट हो रहे हैं, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा, दैट्स ट्रू। हम लोग एक्सेलरेट हो रहे हैं, और एक्सेलरेट होने के बाद हमारे पास रीजन ही नहीं है कि भैया क्यों हो रहे हैं, व्हाई वी आर एक्सेलरेटिंग, दैट्स ट्रू। न्यूटन का लॉ इनवैलिड हो गया, न्यूटन का लॉ इनवैलिड हो गया, ओके। सो यहां तक क्लियर हुआ कि व्हेन वी से कि समथिंग इज एक्सेलरेटिंग, व्हेन द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, दैट फ्रेम इज कंसीडर्ड टू बी नॉन इनर्शियल, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन का रीजन न्यूटन उस फ्रेम में नहीं दे पाता। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। We have reached to a point जहां तक हमको non inertial frame क्यों बोलते हैं ये clear हुआ है कि भैया हम पे force लग रहा है जिसका explanation Newton नहीं दे पा रहा है, ऐसे frame को non inertial consider किया जाता है। I have come to that point। अभी मैं centrifugal पे next lecture में आऊंगी। यहां तक सबको imagine हो पाया मैंने क्या बोलने की कोशिश की? Yes. Yes. This is where you understand non inertial frame। तो अब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि एक let's take a last example for today, एक बड़े 5 rupees का coin है, वो टेबल के ऊपर रख दिया है, think about it and answer, एक 5 rupees का coin है वो टेबल के ऊपर रख दिया, पहले मैंने उस 5 rupees के coin को lab frame से देखा, बाहर खड़े होकर देख रही हूँ, मेरे पास explanation है कि वो 5 rupees का coin क्यों नहीं उड़ा, क्यों नहीं उड़ा?
सेंट्रीपिटल दे दिया. yes. अब प्लीज एवरीवन, अब जाकर आप उस टेबल के अंदर बैठ गए. आपके लिए कॉइन भी रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो. टेबल ने टेबल को रोटेट करवाना स्टार्ट किया. अचानक से आपको वो 5 रुपए का कॉइन उड़कर बाहर जाता हुआ दिखा. जैसे ही टेबल की स्पीड बढ़ी, आपको वो 5 रुपए का कॉइन टेबल से उड़कर बाहर जाता हुआ दिखा. ठीक है, बाहर जाता हुआ दिख रहा है. सब कुछ रेस्ट पे है, आपके लिए तो सब कुछ रेस्ट पे है. तो वो बाहर की तरफ उड़ा तो उड़ा क्यों, ये फोर्स कहाँ से आया? और जो आपने बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया कि मेरे को भी बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, ये फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने उस फ्रेम को क्या बोल दिया, व्हाट वी सेड, कि ये कौन सा फ्रेम है? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है. अब अगर मेरे को उसको एक्सप्लेन करना है तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके उस फ्रेम को इनर्शियल में कन्वर्ट करूंगी और फिर न्यूटन लॉ को लगाकर अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूंगी. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम. यस यस. सो वी विल स्टॉप हियर. अगेन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल इन शॉर्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. और फिर हम लोग सेंट्रीपिटल और हम लोग सेंट्रीफ्यूगल को अच्छे से समझेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, वो लगा तो लगा कहाँ से. ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन ऑल दिस थिंग्स. कुछ आता है तो मुझे बताओ. यस,